हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद शाहिल। तो आज हम बना रहे हैं अरवी के पत्ते की आलू बड़ी या रिकवज, इसे दोनों भी नाम से कहा जाता है। कमेंट करके बताइए आपके लैंग्वेज में इसे क्या कहा जाता है। तो हम लेंगे अरवी का पत्ता और कुछ इस तरह उसके बीच के डंडी को निकाल देंगे काट के, ताकि वह कड़क ना रहे और फोल्ड होने में ईजी रहे। फिर ये हम कुछ हरे मसाले लेकर इसे पीस लेंगे, जैसे कि हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, काली मिर्च और ज़ीरा। इसे मिक्सर में अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। फिर ये कुछ सूखे मसाले लेंगे, जैसे कि भूकी हुई धनिया, काली मिर्च, लाल मिर्ची पाउडर, आमचूर पाउडर, बेसन, हींग और नमक। अब हम आलू बड़ी का बेस तैयार करने के लिए ले लेंगे 1.5 कप बेसन, 1 कप चावल का आटा। अब हम इन सब सूखे मसालों को लेकर एक बाउल में मिक्स करेंगे। पहले डालेंगे बेसन, फिर इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा, फिर इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे सारे सूखे मसाले। हम इसे पहले थोड़ा सूखा मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने हरा मसाला पीसा था, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर पानी ऐड करेंगे। और इसे मिक्स करते जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बैटर अभी गाढ़ा है, तो और पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करके इसका धीरे धीरे कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। और पानी ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बैटर धीरे धीरे गीला हो रहा है और अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। ये अभी भी गाढ़ा है, तो हम इसमें और थोड़ा पानी ऐड करेंगे।
अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन है। अब हम लेंगे अरवी का पत्ता और उस पर कुछ इस तरह इस बेसन के मसाले को लगाएंगे, एकदम अच्छी तरह से पतली सी लेयर लगाएंगे हर कोने में, जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मसाला लग रहा है। पहले पत्ते पे लेयर होने के बाद कुछ इस तरह उल्टा दूसरा पत्ता लगाएंगे, फिर इस पे भी बेसन के मसाले की कोटिंग करेंगे। साइड्स पे भी अच्छी तरीके से लगाएंगे ताकि हर बाइट में मसाला फील हो। अब आप देख सकते हैं दूसरे पत्ते पर भी मसाला लग चुका है, अब तीसरा पत्ता भी ऑपोजिट साइड में लगाएंगे। तीसरे पत्ते पे लेयर लगाने के बाद हम चौथा पत्ता लगाएंगे ऑपोजिट साइड में, और इस पे भी बेसन के मसाले की लेयर लगाएंगे। अब हम पांचवा पत्ता लगाएंगे और इस पे भी बेसन की लेयर लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पांच पत्तों के लेयर्स की एक अरवी के पत्ते की बेसन के मसाले के साथ लगा चुके हैं। अब हम इसके साइड्स को फोल्ड करेंगे ताकि मसाला फोल्ड करते वक्त बाहर ना आए। अच्छी तरह से इक्वल साइड्स को फोल्ड कर साइड्स पे भी मसाला लगा देंगे। फिर अब हम इसे नीचे की तरफ से मसाला लगा कर ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, रोल करेंगे कुछ इस तरह। अब फिर से हम इसी सेम प्रोसेस को और रिपीट करेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा दो रोल बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। हम एक इंडक्शन पे नीचे वाटर बॉईल करने के लिए रख देंगे और ऊपर से इस तरह की एक छन्नी लगा देंगे। आप चाहे तो इसे इडली के बर्तन में भी बॉईल कर सकते हैं, स्टीम दे सकते हैं। अब हम इसे ढक कर अच्छी तरह से स्टीम करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टीम होने के बाद इसका कलर डार्क हो चुका है। अब हम इसे पलट कर भी अच्छी तरह से दूसरी तरफ भी स्टीम करेंगे। कुछ इस तरह हम हर आलू बड़ी के रोल को पलटेंगे और अच्छी तरह से स्टीम करेंगे कुछ 20 से 25 मिनट के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टीम होने के बाद हमारा आलू बड़ी का रोल रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसका पतला पतला स्लाइसेस काट कर हम इसे अच्छी तरह से लाइट ऑयल लगाकर फ्राई करेंगे दोनों साइड से। अब आप देख सकते हैं एक साइड क्रिस्पी होने के बाद हम दूसरे साइड पलट कर भी क्रिस्पी कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी आलू बड़ी रिक्वच फ्राई होकर कितनी क्रिस्पी। अब हम इसे सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। तो ऐसी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।